تكن لوليك الحجة ابني الحسن صلواتك علي وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. जैसे कि सबसे पहले हमने लास्ट टाइम देखा था ईदगाह में मिसलैन, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, इसमें हमने देखा था कि जब भी ऐसा कोई हर्फ हो जिसके ऊपर साकिन हो और उसके बाद फिर से वही हर्फ रिपीट हो जाए, यानी कि अगर नून साकिन है उसके बाद फिर से नून आ जाए, तो हम उसको मिला के पढ़ते हैं, हम उसे ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे वो एक वर्ड हो जाए। अगर आप मिसाल देख पा रही होंगी तो आपको दिख रहा होगा कि पहली मिसाल में पहला लफ्ज है कद, काफ दाल, दाल के ऊपर साकिन है, उसके बाद फिर दाल के ऊपर तशदीद और जबर है और दखल। ये देखने में लग रहा है कि दो लफ्ज है, लेकिन हम जब इसे पढ़ेंगे तो हम इसे कद दखल पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि दाल हमें एक ही बार सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि ये यूं देखा जाए तो यहाँ पे दाल तीन बार आ रहा है, सबसे पहले कद में दाल आ रहा है, उसके बाद दाल के फिर दोबारा दखलू में साकिन है होगा क्योंकि तजदीद है, तो पहले साकिन फिर जबर होगा, तो यूं तो ये तीन दाल है, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पे सिंगल दाल है, यानी कद दखलू। इसी तरह नीचे मिन नासरीन, तो जैसे नून के ऊपर साकिन है और उसके बाद फिर नून है, नून के ऊपर जबर है और नून पे तशदीद है, तो हम उसे नून मिन नासरीन पढ़ेंगे। तो ये एक लफ्ज की तरह, एक लफ्ज की तरह हमें सुनाई देगा। पर इसमें एक एक्सेप्शनल केस था जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसमें कि आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, मतलब अटक अटक के आ रही है, आपका नेटवर्क स्लो है। अच्छा अच्छा अभी बेहतर है आवाज? इसमें हमने देखा था कि लास्ट टाइम एक एक्सेप्शन था, जिसमें कि हमने देखा था कि अगर इस तरह का कोई लफ्ज हो जिसमें कि लॉन्ग वावल हो, जैसे कि फी यूसुफ, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि फे के बाद ये है, ये के ऊपर साकिन है, लेकिन और उसके बाद फिर ये यूसुफ में ये आ रहा है, तो हम इसे फी यूसुफ नहीं करके पढ़ेंगे, हम इसे मिलाकर एक लफ्ज की तरह नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम फी को हल्का सा खींच के यूसुफ पढ़ेंगे, जैसे फी यूसुफ, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, हम फी यूसुफ नहीं पढ़ेंगे। या इसी तरह अगली एग्जाम्पल है फी यौम, तो इसमें भी क्योंकि ये के नीचे ये जो है थोड़ा खींचने वाला, थोड़ा मद की जैसी इसमें आवाज आती है, थोड़ा सा हम इसे खींचते हैं जहाँ पे भी ये आता है, तो फी यौम कहेंगे, हम इसे फियाउम नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम एक वर्ड नहीं बनाएंगे, यहाँ इसे हम इदगाम नहीं करेंगे। इसी तरह से अल्लज़ी युवस्विसु, अल्लज़ी
मिजाल के बाद ये करेंगे, ये के बाद फिर यूएसवी सो है, तो दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, इसमें हम मिलाकर नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बीच बीच में जा रही है, आवाज बीच बीच में चली जा रही है। आवाज कट कट के आ रही है फरहाद तुम्हारी। ठीक है, अभी बेहतर है क्या? जी हाँ, अभी सही आ रही है। ठीक है ठीक है, तो ये तो हम लास्ट टाइम का ही रिपीट कर रहे थे। फिर उसके बाद था इदगाम मुतजानिसैन, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर दो लेटर्स ऐसे आपस में एक साथ आ रहे हों जिनका मखरज सेम हो लेकिन जो उनकी सिफत हो वो डिफरेंट हो, तो जब हमने मखरज वाला सेशन किया था तो हमने देखा था कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनका जो अदायगी होती है वो एक तरह की होती है, मतलब जैसे तो ते दोनों में त की आवाज़ निकलती है लेकिन इनका मखरज अलग अलग है, तो और ये एक ही जगह से अदा होते हैं, तो जब हम इनको अदा करते हैं और इनकी वजह से क्योंकि इनके मखरज अलग हैं तो इनके मायने भी बदल जाते हैं, यानी कि अगर कहीं पे ते आ रहा है और कहीं तो आ रहा है तो उसका मतलब बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखा था कि अलीम जो है वो हमज़ा से होता है, अलीम हमज़ा अलिफ अलिफ के ऊपर ज़बर लाम ये मीम अलीम, और एक होता है ऐन लाम ये मीम अलीम, तो दोनों के मायने बदल जाते हैं, यानी कि एक का मतलब है जो जो अल्लाह के लिए आया है कि जो सख्त अजाब करने वाला है, और एक का मतलब है जिसमें कि अल्लाह के पास बहुत विजडम है। तो चूंकि मखरज की वजह से लेटर की वजह से मखरज भी बदलता है, उसकी वजह से उसके मायने भी बदल जाते हैं, पर कुछ लेटर्स जो हैं वो एक ही जगह से अदा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट जब हम मखरज वाला सेशन हमने किया था तो उसमें हमने देखा था कि दाल और ता ते या तो और ते ये ऐसे हुरूफ हैं जो एक ही जगह से अदा होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी ये ज़बान से अदा होते हैं, ज़बान को आगे के दांतों की जड़ से आगे के दांतों की जड़ से लगा के हम ते और तो का प्रोनंसिएशन करते हैं, मखरज करते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि ते को जब हम पढ़ते हैं तो वो हम त की तरह पढ़ते हैं लेकिन जब हम तो को पढ़ते हैं हम उसे तो की तरह पढ़ते हैं, यानी अगर आप इंग्लिश में इसको देखें तो ते इज टी ए ता एंड तो इज टी ए डब्लू तो, यानी यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ये है कि कभी भी तो को या स्वाद को, जैसे सीन और स्वाद के भी में भी आवाज स की आ रही है लेकिन मखरज अलग है, तो लेकिन इसमें हम कभी भी जब स्वाद का स्व पढ़ेंगे या तो का तो पढ़ेंगे तो कभी हम अपने होठों को गोल नहीं करेंगे, यानी तो ऐसे करके नहीं पढ़ना है, सिंपली बस इसे मोटा करके थोड़ा सा अपनी जबान को उठाकर थोड़ा एलिवेट करके थोड़ा सा तफखीम दे के पढ़ना है, बस फर्क वहाँ पे है, लेकिन अदायगी दोनों की जबान की एक ही जगह पे लगा के ही होती है। तो इसी तरह इदगाम में मुतजानिसैन में क्या होता है कि कुछ लेटर्स जो कि जिनका मखरज एक ही जगह से होता है जब वो एक साथ आते हैं तो उसमें जो बाद वाला लेटर होता है, यानी अगर मिसाल अभी हम देखेंगे तो उसकी वो जो है डोमिनेट करता है, यानी कि आवाज़ जो है वो उसकी निकलती है, इदगाम यानी मिला देते हैं हम। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो इस वलम तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाल भी है और जो भी है और जाल और जो दोनों एक ही जगह से निकलता है, यहाँ पे भी फर्क जो और जा का है, यानी जाल जो है वो जबान की नोक को दांतों से थोड़ा सा बाहर निकालते हुए यानी जालिक जा करके बोला जाता है, और जो जो होता है वो थोड़ा सा मोटा करके थोड़ा ऊंचा करके इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो अगर जाल के ऊपर साकिन है और उसके बाद जो आया है तो हम जाल को जो में मिला देंगे और हम यहाँ पे बजाय कि हम जाल की तलफ्फुज़ करें हम तलफ्फुज़ करेंगे जो का, यानी इल वॉलम टू, या उसके बाद अगर आप एक एग्जांपल देखें कद तबयना लिखा है कद
तबायना, लेकिन हम इसे कद तबायना नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ दाल को ते में इदगाम कर देंगे, हम इसे पढ़ेंगे कद कद तबायना, कद ते की आवाज निकलेगी, दाल और ते भी एक ही जगह से अदा होते हैं। इसी तरह बसवक्ता, यहाँ पे ते की आवाज हम निकालेंगे। इसके लिए मैंने और एग्जांपल्स भी इस बार रखे ताकि और क्लियर हो सके। इसी तरह महत, यहाँ पे दाल पे साकिन है और फिर ते आ रहा है, तो हम इसे महद त नहीं पढ़ेंगे, हम महत पढ़ेंगे, महत। या लकत तकत, यानी दाल के ऊपर साकिन है और फिर ते आ रहा है, तो हम लकत तकत नहीं पढ़ेंगे, हम लकत तकत पढ़ेंगे। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कुछ भी हो तो पूछ सकता है। अभी मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अभी हाँ, अब क्लियरली आ रही है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स है, जैसे अगर हम लास्ट एग्जांपल देखें तो इसमें पहला है यल हस जालिक, यानी से है उसके ऊपर साकिन है, उसके बाद जाल आ रहा है, तो जब हम यलहस जाकिर पढ़ेंगे, जालिक पढ़ेंगे, तो हम इसे यलहस जालिक पढ़ेंगे, यलहस जालिक, जाल की आवाज हमारे पास आएगी, हम इसमें से की आवाज को छुपा देंगे। तो इदगाम का मतलब यहाँ पे यही है कि जब भी कोई सिमिलर मतलब जहाँ से एक ही जगह से निकलने वाले जब हरूफ एक साथ आएंगे, तो जो पहला लेटर होगा जिस पे साकिन होगा उसकी आवाज छुप जाएगी, और छुप किया जाएगी मतलब उसको ऐसे मिला के पढ़ा जाएगा कि उसकी आवाज जो है वो छुप जाएगी और दूसरे वाले की आवाज ज्यादा साफ क्लियरली बोल प्रनाउंस की जाएगी। इसके बाद हमने देखा था इदगाम मुतकारिबैन। तो इदगाम मुतकारिबैन में जो रूल है वो ये है कि जब दो ऐसे हरूफ एक साथ आते हैं जिनका या तो मखरज से एक ही जगह से होता हो या उनकी सिफत एक सी हो, तो जब अगर वो एक साथ आते हैं तो उसमें इसको इनको मुतकारिबैन इसलिए कहते हैं, यानी उनकी अगर नीदर वो बहुत सिमिलर होते हैं ना वो सेम होते हैं, यानी ना वो एक ही होते हैं ना एक जैसे होते हैं, लेकिन करीब करीब होते हैं, करीब से बना है मुतकारिबैन। तो यानी कि जब दो ऐसे हरूफ एक साथ आ जाएं जिनमें से या तो उनकी सिफत एक हो, सिफत का मतलब है यानी कि उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो या उनका मखरज सेम हो, अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो जो पहला वाला है उसको दूसरे वाले में ऐसे मिलाया जाता है कि पहले वाले की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जैसे पहली एग्जांपल है कुल रब्बी, तो हम इसे कुर रब्बी पढ़ेंगे, हम इसे कुल रब्बी नहीं पढ़ेंगे, हम इसे कुर रब्बी पढ़ेंगे, रे की आवाज लाम की आवाज बिल्कुल चली जाएगी और काफ रे में जाके मिल जाएगा। इसी तरह जो सेकेंड है बल रफा, तो हम इसे बर रफा पढ़ेंगे, बर रफा। इसी तरह अलम नखलुकुम, यहाँ पे भी हम काफ की आवाज को ऐसे पढ़ेंगे कि काफ की आवाज बहुत हल्की बहुत धीमी सी सुनाई देगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल आवाज होगी, लखलुकुम। और ये लफ्ज जो है वो कुरान में कुल शायद एक मर्तबा कुरान में आया है, ये जो लफ्ज है अलम नखलुकुम, तो इसके लिए ये एक्सेप्शनल रूल है कि इसमें हल्की सी काफ की आवाज रहती है और लेकिन मेजरली इसमें काफ की ही आवाज आती है। इसके बाद हम एक और इसका रूल देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने नहीं देखा था, यहाँ पे एक पिक्चर थी जो कि डिलीट हो आ नहीं रही है क्योंकि शायद नेटवर्क स्लो है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो पिक्चर एक्चुअली थी हरूफे शमसी की, यानी जो सन लेटर्स होते हैं, हमें पता है अरबिक में कुछ सन लेटर्स होते हैं और कुछ कुछ मून लेटर्स होते हैं, यानी हरूफे शमसी और हरूफे कमरी। तो इसमें क्या रूल होता है कि जब भी लाम के ऊपर साकिन होता है और उसके बाद कोई ऐसा लेटर आता है जो कि हरूफे शमसी होता है यानी सन लेटर होता है, सन लेटर में आते हैं सीन शीन स्वाद ज़वाद, मैं अभी आपको लिस्ट दे दूंगी साथ में, तो वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो वहाँ पे लाम की आवाज़ को हम बिल्कुल
खत्म कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही उसकी आवाज नहीं आती है, और उसको हम सीधे उसी से मिलाते हैं। यानी कि अगर हम ये देखें एग्जांपल में कि अलिफ जबर अल और फिर लाम के ऊपर सुकून, तो ये अल सा लिखा हुआ है लेकिन हम इसे असा पढ़ेंगे, यानी लाम के ऊपर साकिन है, उसके बाद सीन के ऊपर तजदीद है। तजदीद का मतलब यानी पहला जो होगा वो साकिन होगा फिर जबर होगा, तो हम इसे अलसा ना पढ़ के असा पढ़ेंगे। यहाँ पे लाम की आवाज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और लाम की जगह हम सीन की आवाज निकालेंगे, लाम को हम इदगाम कर देंगे। इसी तरह अशम्स यानी अलिफ फिर लाम के ऊपर सुकून और फिर शीन, शीन के ऊपर तशदीद, तो हम इसे अशम्स अलशम्स ना पढ़ के अशम्स पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी तरह का कोई अगर वो हो कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कर सकते हैं। यहाँ तक लास्ट टाइम इदगाम मुतकारिबैन और इदगाम मुतकारिबैन और इदगाम मिसलैन में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा इसीलिए रिपीट किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा स्टॉप। स्टॉप्स यानी वक्फ, उर्दू में हम उसे कहते हैं वक्फ। तो यानी कि जो जहाँ जहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये सिंबल्स हमें जो नज़र आते हैं तो वहाँ पे क्या रूल्स हैं उसको देखने के लिए कुछ रूल्स हैं कि क्यों ये स्टॉप्स लगाए गए हैं। बेसिकली यूँ तो कुरान की आयत बहुत लंबी होती है और हमारे लिए पूरी आयत को एक सांस में पढ़ जाना मुश्किल होता है, तो जो बड़े बड़े कुरान के स्कॉलर्स हैं उनकी एक सॉर्ट ऑफ कह लीजिए एक मेहरबानी है हम पर कि उन्होंने कुरान के, क्योंकि उनको कुरान का बहुत इल्म है और जानकार हैं, तो उन्होंने कुरान में जगह जगह ये इस तरीके के सिंबल्स लगा दिए कि जिनके लगाने में अगर हम सांस को रोकते तोड़ते भी हैं तो मायने में फ़र्क ना आए। तो उसके साथ उन्होंने उसके कुछ रूल्स भी दिए हैं कि अगर आयत के बीच में इनमें से कोई सिंबल आए तो आपको क्या फॉलो करना है, आपको सांस तोड़नी है नहीं तोड़नी है, वक्फा करना है नहीं करना है, ये इन्हीं रूल्स की वजह से। क्योंकि जब हम आयत को पढ़ते हैं तो कभी कभी अगर हम उसे मिला के पढ़ देते हैं जहाँ पे हमें रुकना चाहिए वहाँ पे भी मायने बदल जाते हैं, और कभी कभी जब हमें रुकना चाहिए और हमने मिला के पढ़ दिया तो वहाँ पे भी मायने बदल जाते हैं। तो इसी तरह ये कुछ रूल्स हैं। तो जैसे सबसे पहले है मीम, तो यहाँ पे अगर कहीं भी अगर आपको आयत के दरमियान कहीं भी मीम दिखाई दे, वैसे तो जितने भी इंडियन कुरान हैं वहाँ पे लिखा रहता है मीम पे कि वक्फ़ लाजिम, यानी कि यहाँ रुकना ज़रूरी है। कहीं भी आपको आयत के बीच में मीम दिखाई दे तो वहाँ पे आपको रुकना ज़रूरी है, अगर आप नहीं रुकेंगे तो मायने बदल जाएंगे। इसी तरह तो है, तो एक नॉर्मल स्टॉप है और अक्सर आयत के एंड में आता है, तो यहाँ पे चाहे तो आप मिला के पढ़ें या चाहे रुक जाएं, इसका कोई कोई इसका वो नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको रुकना ही है या मिला के पढ़ना है। इसी तरह जीम है, जीम को वक्फ जायज भी कहते हैं कि यानी आप यहाँ रुक सकते हैं, अगर आपकी सांस टूट रही है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, अगर आप रुक गए तो उसमें कोई इश्काल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मिला के पढ़ें तो वो बेहतर है। लेकिन चूंकि अक्सर आयत बहुत लंबी होती है और हम नहीं इतनी लंबी आयत को एक सांस में पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको जीम दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। इसी तरह है सला, स्वाद या जे, स्वाद जे सला, ये सब ऐसे हैं जो अक्सर कुरान की आयत कुरान में आयतों के दरमियान आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगेन यहाँ पे आपको इजाज़त है कि आप रुकें, लेकिन बेहतर ये है कि आप मिला के उसको पढ़ें, आप उसको ना रुकें तो वो बेहतर है। मतलब ये नहीं कि अगर आप सांस ले सकते हैं तो भी आप रुक जाएं, वो बेहतर है कि आप मिला कर ही पढ़ें। इसी तरह है काफ या कला, काफ भी अक्सर आयत के बीच में होता है या कला, इसको लिखा या किले है या सिले लिखा है लेकिन इसको पढ़ते हैं हम कला या सला है। इसमें क्या है कि आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन बेहतर है कि आप इसे रुक जाएं, आप सांस ले लें।
यानी कि अगर आयत के बीच में कहीं भी काफ या कला है तो बेहतर है कि आप वहां पे अपनी सांस तोड़ लें और फिर आगे कंटिन्यू करें, और वैसे आप कंटिन्यू कर भी सकते हैं। इसी तरह काफ का भी रूल है कि आप बेहतर है कि आप कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आप रुकते हैं तो बेहतर है। इसी तरह लाम अलिफ, लाम अलिफ भी अक्सर आयत में बहुत बार दिखता है, इनफैक्ट आयत के एंड में भी बहुत बार होता है। तो यहाँ पे बेहतर है, बेहतर नहीं बल्कि जरूरी है कि आप उसे कंटिन्यू करें, आप वहाँ पे ना रुकें। यानी लाम अलिफ अगर बीच में आयत के है और आप वहाँ पे रुक गए, आपने सांस ले ली, तो उसके बाद जो आप पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ दी आयत जो पढ़ेंगे उसमें उसका मायने बदल जाएगा। यानी जो कंटिन्यूएशन में कोई बात कुरान में कही जा रही थी वो कंटिन्यूटी ब्रेक होगी और उससे उसके मायने बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कुरान में जहाँ पे लाम अलिफ आया है और अगर हम उसको रोकते हैं वहाँ पे और बाकी की आयत फिर सांस लेने के बाद पढ़ते हैं तो उससे उसके मायने बदल जाते हैं। इसके बाद है ये तीन नुक्ते। तो ये तीन नुक्ते अक्सर आप आयत में देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली तो कुरान में नहीं आया है बट कहीं कहीं पे ये है। तो ये दो, जैसे एक आयत में दो जगह आएगा, तो अगर ये दो जगह वाकई हो रहा है, दो जगह आ रहा है एक आयत में, तो आपको इजाज़त है कि आप एक जगह इसको तोड़ दें अपनी आयत और एक जगह आप इसको मिला के पढ़ें। आपको इजाज़त है कि एक जगह आप आयत रोक के और सांस ले के आगे पढ़ सकें। यहाँ तक क्लियर है जी? क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कि अगर कहीं पे भी हम रुकते हैं, कहीं वक्फ कर, कोई कुछ कह रहा था क्यों? हाँ, ये एक सवाल है मेरा कि हाँ, ये जो जहाँ पर मीम रहता है वहाँ तो स्टॉप करना है हमको जी, और कभी जो है नून और बे को मिला के जब हमको पढ़ना होता है तो वहाँ पे भी मीम लिखा होता है, तो दोनों मीम के लिखने में कुछ फर्क है? वहाँ पे जब भी कहीं पे भी मीम होगा जहाँ पे वक्फ करना होगा तो आप देखेंगे कि जो साइड ऑफ द जहाँ हाशिया होता है कुरान का पेज में, जहाँ हाशिया साइड में जहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है आयत का, तो वहाँ पे अक्सर लिखा होता है वक्फ लाजिम। तो वहाँ पे यानी कि ये वक्फ करने के लिए, और अगर वो नून बे पे, अगर देखिए नून पे साकिन और उसके बाद बे आ रहा है तो वो बाय रूल आपको मिलाना ही मिलाना है ना, वहां पे आपको मिलाना ही है। और अगर मीम बीच में कहीं आ रहा है तो इंडियन कुरान में तो जरूर आपको मिलेगा वक्फ लाजम लिखा हुआ, मिडल ईस्टर्न कुरानों में हो सकता है ना लिखा रहता हो, लेकिन इंडियन कुरान में तो हर जगह हाशिए पे लिखा होता है। और अगर नून पे साकिन और उसके बाद बे आ रहा है तो वहां पे तो आपको मीम में कन्वर्ट उसे करना ही है, और वो हमेशा उन दोनों के दरमियान होगा, मतलब नून और बे के बीच में ऐसे लिखा होगा कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें मीम में कन्वर्ट करना है इसको, मीम का साउंड निकालना। हाँ ठीक है, ओके ओके। इसके बाद जो रूल है वो ये कि जब हम वक्फ करते हैं यानी जहाँ हम स्टॉप करते हैं तो वहाँ पे क्या कैसे लफ्ज़ की अदायगी कैसे होगी। तो यानी कि कहीं जैसे कहीं पे भी हम आयत की वजह ख़त्म होने की वजह से रुके या कहीं पे हम मीम वक्फ लाजिम की वजह से रुके, तो वहाँ पे जब कोई वर्ड पे कोई ज़बर ज़ेर पेश तो होगा ही ज़रूर, तो वहाँ पे उसको हमें कैसे पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल शॉर्ट वावल हमने देखा था, शॉर्ट वावल हम कहते हैं ज़बर ज़ेर और पेश को, यानी कि ई की आवाज़ है तो ज़ेर होगा, ऊ की आवाज़ है तो पेश होगा, और अ की आवाज़ है तो ज़बर होगा। तो कहीं पे भी अगर किसी लफ्ज़ के एंड में तनवीन आ रही है, तनवीन इज डबल ज़ेर डबल पेश एंड डबल ज़बर, और कहीं पे तनवीन आ रहा है या ये शॉर्ट वावल आ रहा है यानी ज़बर ज़ेर पेश आ रहा है और वहाँ पे हमने वक्फ किया है स्टॉप किया है, तो हम उसे ऐसे पढ़ेंगे कि वो सुकून में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मुहीतुम, मुहीतुम तो के ऊपर है डबल पेश तनवीन है, अगर हमने कहीं पे मुहीतुम आया और हमने वहाँ पे सांस की स्टॉप किया तो हम इसे मुहीत कर देंगे, यानी तो पे हम सुकून साकिन कर देंगे मुहीतुम। या काफिरूना, तो नून के ऊपर जबर है शॉर्ट वावल है, तो अगर हम कहीं पे भी स्टॉप करेंगे तो हम इसे काफिरून कर देंगे।
ये बहुत ही सिंपल चीज है, आई थिंक सभी को ये चीज मालूम होगी। इसी इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई ऐसा ऐसा कोई वर्ड आता है जो डबल जबर के साथ आता है, कभी भी डबल जबर आ रहा है तो उसमें अलिफ भी होगा, तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो हम उसमें साकिन ना करके आ की आवाज निकाल देंगे, उसमें अलिफ लग जाएगा। मिसाल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे इखवाजन, अब जीन के ऊपर जीन अलिफ जबर, जीन अलिफ और डबल जबर तनवीन है, तो हम जब इसे वक्फ करेंगे यानी अगर हम यहाँ पे सांस तोड़ रहे हैं अपनी, तो हम इसे इखवाज जा करेंगे यानी जीम अलिफ जबर जा कर देंगे, इखवाज नहीं करेंगे हम इसे, इखवाज जा करेंगे। जैसे हमने देखा था मुहीतुम को हम मुहीत कर रहे हैं, लेकिन अगर डबल जबर है तो हम इसको इसको रिप्लेस कर देंगे अलिफ से, तो यानी इखवाजन की जगह इखवा जा हो जाएगा। इसी तरह मखरजन, तो जीम अलिफ और डबल जबर, इसे हम कर देंगे मखरजा यानी जीम अलिफ जबर। तो ये जो डबल जबर होता है वो अलिफ से रिप्लेस हो जाता है। एक और एक्सेप्शन इसमें ये है कि अगर कहीं पे भी हमजा आ रहा हो वर्ड के एंड में और उस पे जबर हो और वहां पे आपको रुकना है, यानी मीम का वक्फ आ गया या आयत खत्म हो गई आपको रुकना है, तो आप यहाँ पे हल्की सी अ की आवाज छोड़ेंगे यानी अलिफ की तरह हल्की सी इसको आवाज निकालेंगे, यानी ये निदा अ जैसे लिखा हुआ है तो हम इसे इसलिए निदा नहीं कर देंगे, निदा ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जैसे लगे हमजा के ऊपर साकिन है, हम इसे पढ़ेंगे निदा आ, निदा आ, यानी हमजा में थोड़ी सी अलिफ की आवाज ऐड करते हुए निदा आ पढ़ेंगे, निदा नहीं पढ़ेंगे, वक्फ करके साकिन नहीं करेंगे, उसे निदा आ कर देंगे। ये क्लियर है सबको? जी। इसी तरह एक और रूल जो ये है वो ये है कि अगर कहीं पे भी ते ते मरबूता आता है, ता मरबूता, मरबूता ता कौन सा होता है, जो ता गोल वाला ता होता है, आप लोगों ने जरूर कुरान में देखा होगा, जहाँ पे भी ऐसा ता आता है जो ये वाला है जो एग्जाम्पल में आपको बिसूरतन में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये ते जो है वो नॉर्मल ते नहीं है, ये गोल वाली ते है, इसको हम मरबूता कहते हैं। तो अगर इसके ऊपर तनवीन होती है और या फिर कोई जबर होता है या जेर होता है और अगर हमें यहाँ पे रोकना है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये ते की जो त की जो आवाज़ है ये ह की आवाज़ में कन्वर्ट हो जाएगी और उस पर सुकून आ जाएगा। जैसे मिसाल पे आप देखिए बिसूरतन लिखा है तो हम इसे पढ़ेंगे बिसूरा, बिसूरा, हा की आवाज निकालेंगे और हे पे सुकून हो जाएगा, बिसूरह कर देंगे इसे। या वल हिजारता, या गोलते है इसके ऊपर जबर है लेकिन अगर हमने इस पे वक्फ किया, हमने इस पे सांस ली तो हम इसको वल हिजारह कर देंगे, वल हिजारह, ते की आवाज खत्म हो गई, ते की आवाज हे में कन्वर्ट हो गई और हे पे सुकून आ गया, कोई जबर जेर पेश तनवीन कुछ नहीं बचेगा, सुकून हो जाएगा और ह की आवाज निकलेगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी क्लियर है। इसके बाद है पॉजेस या सकता। पॉजेस और सकता में क्या रूल होता है कि पॉज जो है वो कुछ कुछ वक्फ की ही तरह होता है, बस फर्क ये है कि आप यहाँ पे अपनी सांस तोड़ नहीं सकते, हल्की सी हल्के से आप रुकेंगे लेकिन आप आवाज को बंद नहीं करेंगे यानी आप अपनी सांस को रोकेंगे नहीं। तो जैसे यहाँ पे लम यजअल लहू इवजा क़य्यमा, यहाँ पे सीन ऊपर होता है, ये मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि ये उसमें आ नहीं रहा था, ये उसी तरह होता है जैसे वक्फ के साइंस होते हैं वैसे सीन कहीं कहीं ऊपर लिख के आते हैं। तो अगर कहीं सीन है तो उसका मतलब है सकता, सकता का मतलब आप हल्के से पॉज लेंगे लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे, यानी आप इसे पढ़ेंगे जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वाली एग्जांपल लें, कल्ला बल्ला बर्रा बर्रान है, तो आप इसे पढ़ेंगे कल्ला बर बर, हल्के से रुके आप फिर रान, कल्ला बर रान, इस तरीके से कि आप सांस नहीं छोड़ेंगे अपनी। या लम यजअल लहू इवजा
क़य्यिमा, सांस नहीं तोड़नी है आपको, बस हल्का सा एक पॉज लेना है, हल्का सा एक सकता लेना।